नमस्कार, मैं हूं गोपाल मिश्रा। दोस्तों, अगर आप मोटिवेशनल बुक्स पढ़ने के शौकीन होंगे तो आपने हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल का नाम ज़रूर सुना होगा। और आज अच्छी खबर .com पर मैं इसी बेस्ट सेलर बुक के लेखक व महान मोटिवेशनल स्पीकर डेल कार्नेगी के बेस्ट इंस्पायरिंग थॉट्स शेयर कर रहा हूँ। उत्साहित होने का नाटक कीजिए और आप सचमुच उत्साहित हो जाएंगे। कोई भी मूर्ख आलोचना, निंदा और शिकायत कर सकता है और ज़्यादातर मूर्ख करते हैं। क्या तुम जिंदगी से ऊब चुके हो? तो फिर खुद को किसी ऐसे काम में झोंक दो जिसमें दिल से यकीन रखते हो। उसके लिए जियो, उसके लिए मरो और तुम वो खुशी पा जाओगे जो तुम्हें लगता था कि कभी तुम्हारी हो ही नहीं सकती। असफलता को सफलता में बदलो। निराशा और असफलता सफलता के रास्ते में आने वाले दो निश्चित पद चिन्ह हैं। पहले कठिन काम पूरे कीजिए, आसान काम खुद ब खुद पूरे हो जाएंगे। आप जो करने से डरते हैं उसे करिए और करते रहिए। अपने डर पर विजय पाने का यही सबसे पक्का और तेज तरीका है जो आज तक खोजा गया है। डर कहीं और नहीं, बस आपके दिमाग में होता है। उनसे मत डरिए जो बहस करते हैं, बल्कि उनसे डरिए जो छल करते हैं। खुद के लिए और अपनी मौजूदा स्थिति के लिए अफसोस करना ना केवल ऊर्जा की बर्बादी है, बल्कि शायद ये सबसे बुरी आदत है जो आपके अंदर हो सकती है। पहले स्वयं से पूछिए सबसे बुरा क्या हो सकता है, फिर उसे स्वीकार करने के लिए तैयार रहिए और उसके बाद उस बुरे को कम बुरा करने के लिए प्रयास करिए। प्रसन्नता बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, वो हमारे मानसिक दृष्टिकोण से संचालित होती है। यदि तुम जो तुम कर रहे हो उसमें विश्वास रखते हो तो किसी भी चीज को, अपने काम को रोकने मत दो। दुनिया के ज्यादातर बेहतरीन काम असंभव लगने के बावजूद किए गए हैं। जरूरी है कि काम पूरा हो। अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही तो उठो और कुछ करो, बजाय लेटे रहने और चिंता करने के। नींद की कमी नहीं, चिंता तुम्हें नुकसान पहुंचाती है। यदि आप भय पर विजय पाना चाहते हैं तो घर पर बैठकर उसके बारे में सोचिए मत। बाहर निकलिए और व्यस्त हो जाइए। अगर आप शहद इकट्ठा करना चाहते हैं तो छत्ते पर लात मत मारिए। निष्क्रियता संदेह और भय को जन्म देती है, कार्रवाई विश्वास और साहस को। लोग क्या सोचेंगे इस बात की चिंता करने की बजाय क्यों ना कुछ ऐसा करने में समय लगाएं जिसे प्राप्त करने पर लोग आपकी प्रशंसा करें। आपके पास क्या है, या आप क्या हैं, या आप कहाँ हैं, या आप क्या कर रहे हैं, इन बातों से आप खुश या मायूस नहीं होते। आप किस बारे में सोचते हैं उससे होते हैं। जब तक आप जो कर रहे हैं उसे पसंद नहीं करते, तब तक आप सफलता नहीं पा सकते। 2 साल तक औरों को खुद में रुचि लेने का प्रयास करने की अपेक्षा आप 2 महीने दूसरों में रुचि लेकर कहीं अधिक मित्र बना सकते हैं। दुनिया की ज्यादातर महत्वपूर्ण चीजें उन लोगों द्वारा प्राप्त की गई हैं जो कोई उम्मीद ना होने के बावजूद अपने प्रयास में लगे रहे। हम में से ज्यादातर लोग जितना सपने में भी नहीं सोच सकते उससे कहीं अधिक साहस रखते हैं। केवल वही वक्ता आश्वस्त होने का हकदार है जिसने पहले से तैयारी कर रखी है। अक्सर हमें थकान काम के कारण नहीं, बल्कि चिंता, निराशा और असंतोष के कारण होती है। जो चाहा वो मिल जाना सफलता है, जो मिला उसको चाहना प्रसन्नता है। दर्शकों से बताइए कि आप क्या कहने जा रहे हैं, उसे कहिए और फिर उन्हें बताइए कि आपने क्या कहा। खुशी देने में खुशी पाना ही सारी कलाओं का सार है। किसी बहस का सबसे अधिक लाभ उठाने का बस एक ही तरीका है कि उसे टाल दें। किसी आदमी के दिल तक जाने का सही रास्ता है उससे उस चीज के बारे में बात करना जिसे वह सबसे ज्यादा चाहता है। 4 तरीके हैं,
और सिर्फ चार तरीके हैं जिनके द्वारा हम दुनिया के संपर्क में आते हैं। हमारा मूल्यांकन और वर्गीकरण इन्हीं चार संपर्कों द्वारा होता है। हम क्या करते हैं, हम कैसे दिखते हैं, हम क्या कहते हैं और हम कैसे कहते हैं। लोगों के साथ सलूक करते वक्त याद रखिए कि आप तर्कशील प्राणियों के साथ नहीं बल्कि भावनात्मक प्राणियों के साथ काम कर रहे हैं। जब भाग्य आपको नींबू दे तो उसका शरबत बना लीजिए। तो दोस्तों, ये थे डेल कार्नेगी के एक से बढ़कर एक विचार। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों के साथ ज़रूर शेयर करें और याद रखें, जिंदगी में उम्मीद, रोशनी और सकारात्मक सोच के खजाने की चाबी का नाम है achhikhabar.com। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और फिर देखें कैसे ख्यालों का उजाला घंटी बजाकर आपको रोशन तो करेगा ही और साथ ही रखेगा पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर। अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।